बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। मनोहर सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सरपंचों की बात नहीं मानेगी। सरपंचों ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाले और अब तो सरपंचों को विपक्ष का साथ भी मिल गया है। लेकिन फिर सरकार ने साफ कर दिया कि वो सरपंचों के सामने नहीं झुकेंगे। तो पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि आज सरपंचों ने कहां कहां ताले जड़े और उनके समर्थन में कौन कौन सी पार्टियां आई, उसके बाद बड़ी बात में बड़ी बहस। छोटी सरकार और बड़ी सरकार के बीच बनी खाई गहरी होती नजर आ रही है। ना सरपंच मानने को तैयार हैं, ना सरकार सुनने को तैयार है। हालांकि सीएम ने सरपंचों की डेलीगेशन को 28 मार्च को मिलने जरूर बुलाया था, लेकिन उसके बाद बात और ज्यादा बिगड़ गई। सरपंचों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बल का प्रयोग करके सीएम आवास से बाहर कर दिया गया, जबकि सरकार ने कहा कि सरपंचों के साथ ग्राम सचिव भी आए थे जिन्हें नहीं बुलाया गया था। उसके बाद ही सरपंचों के साथ जाने वाले 9 ग्राम सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया। शायद ग्राम सचिव और सरपंच ये भूल गए थे कि वो उस डिजिटलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं जो इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब उसी विरोध और माहौल को भांपते हुए प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल इनेलो भी सरपंचों के साथ मैदान में कूद पड़ी है। हालांकि खबरें अभी तक पर नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सरपंचों के साथ है, और आज पिहोवा में उनकी पार्टी सरपंचों के साथ धरने में भी शामिल हुई। लेकिन बावजूद इसके सरकार झुकने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से सरपंचों को, ग्राम सचिव को बुला करके अपने आप अपमानित किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह से चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार किया, मुख्यमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अपनी गलती का उसको एहसास होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी, अगर मुख्यमंत्री का यही रवैया रहा, अगर सरपंच, पंच और सचिव मिलकर के इस इशू पे कोई आंदोलन खड़ा करेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं करेंगे, ईमानदारी से कोई समझौता नहीं होगा। जो हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की खून पसीने की गाड़ी कमाई का एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हों और चाहे वो सरपंच हों, उनके द्वारा खर्च किया गया एक एक पैसे का ऑडिट, हिसाब, अकाउंटिंग होनी चाहिए। इस नाते से ये भारत सरकार का भी कार्यक्रम है, हमारा भी कार्यक्रम है, और इसमें कहीं पर भी कोई प्रोसेस में कमी आएगी उसको हम दूर करेंगे। और शिक्षित जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब साथ हैं, जो ईमानदार हैं वो सब साथ हैं, जो सच्चे हैं वो सब इस काम को लागू करने में आज हरियाणा की जनता के साथ खड़े हैं। सच्चे और ईमानदार सब साथ खड़े हैं। जनप्रतिनिधि होता है वो अपनी बात को रख सकता है, और हम सरपंचों का सम्मान भी करते हैं, और सरपंचों से हमने बाद में बात भी की है, और उन सरपंचों से काफ़ी बातें हमारी सहमति बन गई है। जो नहीं बनी उसका विचार करेंगे। अब कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसमें कोई शंका बची हो। ई पंचायत का जो सिस्टम है वो चूँकि केंद्र सरकार की एक हिदायत है और हमको करना भी है। जब हर चीज़ हम ई गवर्नेंस पर ला रहे हैं तो पंचायतें पढ़ी लिखी हैं, हमारी पढ़ी लिखी पंचायतों को ई गवर्नेंस के आधार पर अपने काम को शुरू रूप से चलाना चाहिए, और बहुत जल्दी इस सारे का मामले का हम जल्दी हल कर लेंगे। पूरे हरियाणा में सरपंचों ने अपने कार्यालयों में ताले जड़ दिए हैं, जगह जगह धरने पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरपंचों को डिजिटल होने में दिक्कत क्या है? अगर पंचायतें ऑनलाइन हो जाएंगी तो सरपंचों को क्या नुकसान होगा? आखिर सरपंचों के साथ ग्राम सचिव धरने पर क्यों है? क्या सरकार अभी से राजनीति से प्रेरित विरोध नहीं कहेगी? ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जो सरपंचों से पूछे जाने चाहिए, साथ ही सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि अगर पंचायतों को डिजिटल करना था तो पहले पूरी तैयारी क्यों नहीं की गई? ग्राम सचिवों के साथ सरपंचों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ई पंचायत एक अच्छी शुरुआत है और सरकार का बेहतरीन प्रयास भी है, लेकिन उसकी तैयारी करना भी सरकार का ही काम है, और ये सुनिश्चित करना भी कि जो नई प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके बारे में सारे सरपंच जागरूक हैं या नहीं। अगर सरपंच और ग्राम सचिव दोनों ही कंप्यूटर चलाने में दक्ष नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा?
स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो सरपंचों के इस खिलाफत पर सरकार के इनकार पर साथी विपक्ष के साथ को लेकर और बाकी क्या कुछ हो सकता है इस मामले में, इसको लेकर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। तो सरपंच मामले पर चर्चा हम कर रहे हैं, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ कृष्ण ढूल हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रंजिता मेहता हमारे साथ स्टूडियो में हैं, इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्री साहब हमारे साथ हैं, साथ ही सरपंच सुनील हैं, थापली गांव के सरपंच आप हैं, सरनजीत सिंह भी सरपंच हमारे साथ हैं और ग्राम सचिव महेश परमार हमारे साथ इस चर्चा में हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे, ढूल साहब ऐसे इनकार करने से स्थिति ठीक हो जाएगी? निश्चित तौर पर हम लोगों ने जिस प्रकार से पढ़ी लिखी पंचायतें देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध रही और हमने कोर्ट की लड़ाई लड़ी, विपक्षियों ने इस बात को लेकर के मुद्दा बनाया, लेकिन मनोहर सरकार का जो निर्णय रहा आज उसको देखते हुए अन्य प्रदेशों ने भी इसको लागू करने के लिए कदम उठा लिए हैं। जिस प्रकार से पंचायतों ने इस चीज़ का और ई गवर्नेंस का विरोध किया तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लेकर के आज अभी आपने बाइट भी दिखाई, उसमें इस चीज़ को लेकर के कहा है कि बहुत सारे मामलों में जो उनकी डिमांड्स थी, जो उनकी मांग थी, उसको लेकर के सहमति बन गई है और फिर भी अगर कुछ और मांगे हैं तो लोकतांत्रिक प्रणाली में जिस प्रकार से किसी चीज़ को उठाया जाता है लोकतांत्रिक ढंग से, उस ढंग को ये उठा रहे हैं। और सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि ई टेंडरिंग को बंद नहीं किया जाएगा, ऐसे हमारे वित्त मंत्री जी कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ई टेंडिंग जो है वो पारदर्शिता को देखते हुए है, उसको देखते हुए हम लोग इस प्रणाली को बिल्कुल लागू करेंगे। हाँ, अगर किसी चीज़ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, किसी और संसाधनों की कमी है तो उसको तय समय पर पूरा किया जाएगा और यह सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है। नहीं, 1 अप्रैल से लागू किया जाना है और जो सरपंच है उनका कहना है कि आप तैयारी कर लीजिए, क्या सरकार तैयारियों के लिए इंतजार करेगी फिर? किस चीज़ की तैयारियां करके इस सिस्टम को लागू किया जाए, प्रणाली जो आप लोग लेकर आ रहे हैं उसकी पूरी तैयारियां की जाए, एक बड़ी मांग है इन लोगों की ओर से। नहीं, पूरी तैयारियां हैं, वो हो सकता है किसी 7500 गांव में से 7500 हमारी चुनी हुई पंचायतें हैं, उन चुने हुए पंचायतों के सारे प्रतिनिधि तो हैं जो पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद ब्लॉक समिति सारे मिला करके जो अगर मैं बात करूँ तो 6200 पंचायतें हैं, माफ कीजिएगा, और उनमें सभी में एक हमने जो कहा था कि पढ़े लिखे हैं तो कंप्यूटर, ई टेंडरिंग, ई गवर्नेंस, मुझे लगता है आज की डेट में और इस युग में ये सब चीज़ें कोई ऐसा गजेट्स नहीं है जिसकी किसी को भी जानकारी ना हुआ, छोटा सा बच्चा भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी पंचायत है, तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार में कोई कंप्यूटर हो तो उसकी समझ भी हो साथ में, पूरा स्टाफ भी हो ब्लॉक लेवल पे। अत्रे साहब, देखिए ज्योति, सबसे बड़ी समस्या का समस्या ये है कि धरातल पे जाके चीजों को समझने की बजाय सरकार घर में बैठ के विचार बनाती है, सबसे बड़ी समस्या ये है। जैसे अभी ढुल साहब कह रहे थे कि आज तो छोटा सा बच्चा भी गैजेट लेके रखता है, छोटा बच्चा भी कंप्यूटर का जानकारी रखता है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप धरातल पे जाके नहीं देख रहे कि धरातल पे इस वक्त के हालात क्या है। पंचायती राज के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नकारात्मक रवैया ये तो पूरा प्रदेश देख रहा है। अब देखिए, कैप्टन अभिमन्यु अभी एक बात बोल रहे थे, मुझे बड़ी हैरानी हुई, वो ये कह रहे थे कि जो ईमानदार है वो साथ है, मतलब वो स्पष्ट कह रहे थे कि जो लोग अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो बेईमान है। एक तरफ तो आप पढ़ी लिखी पंचायत की बात करते हो, दूसरा आप शरेआम उनको बेईमान करार दे रहे हो, भैया आपकी सोच क्या है? समस्या कहां पे है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज नहीं है, टोटल 6215 पंचायत है, 1600 के करीब जो सचिव है, आपके पास मात्र 1500 ग्राम सचिवालय है जो सरकार बताती है, और पंचायतें आपकी 6215 है, मतलब आपके पास पूरी तरह से ग्राम सचिवालय भी आज की डेट में नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि कंप्यूटर जिसका बार बार जिक्र होता है, जो पंचायत सेक्रेटरी है उनकी क्वालिफिकेशन 10वीं है शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, और कंप्यूटर और इंटरनेट बेहद जरूरी है जब भी हम ई पंचायत की बात करते हैं। अब हालात ये है कि आपके पास ऑफिसेज नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, जिस गति का चाहिए, और वो सरकार के हाथ की बात भी नहीं है। पहली चीज तो ये है, सरकार को चाहिए इन सुविधाओं को पहले तैयार करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, उसके बाद अगर आप किसी परिवर्तन की बात करते हैं तो उस बात को करें। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर आपको याद होगा एक बात बार बार कही जाती है, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार। इस पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के नाम पे आपको याद होगा मोदी जी ने नोटबंदी की थी, क्या रिजल्ट निकला उस नोटबंदी का? ये हर आम आदमी लाइनों में लगा, डंडे खाए, वो नतीजा उस नोटबंदी का था। आप पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का नाम लेके केवल अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश ना कीजिए, केवल अपने लोगों के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनको बेचने बेचने का जुगाड़ मत करिए। राजनीति कर रहा है, आप लोगों को मुद्दा मिल गया भुनाने के लिए। देखिए, मुद्दा तो सरकार स्वयं देती है,
कभी आंगनवाड़ी टीचर्स जो आंगनवाड़ी है वाले हैं, कभी गेस्ट टीचर्स, कभी कर्मचारी और अब सरपंच, हर चीज जो है ये भाजपा की सरकार जो है वो आधी अधूरी शुरू करती है और उसके बाद आधी अधूरी शुरू करने के बाद जब उस पर खिलाफ आंदोलन होते हैं तो अपना एक अड़िया रवैया दिखाती है, फिर वो धरने प्रदर्शन जो है वो आक्रोश आंदोलनों में बदलते हैं और उसके बाद कुछ नुकसान होने के बाद फिर जो है ये माथा टेक लेते हैं। तो ऐसी नौबत आने ही क्यों देती है सरकार, मैं ये जानना चाहती हूँ। जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में कंप्यूटर्स नहीं है, आपने अभी तक इंटरनेट की आप सुविधा के बिना ये काम शुरू ही नहीं हो सकता और आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आज भी 1633 के करीब जो है ग्राम सचिव हैं यहाँ पर और लैपटॉप सिर्फ 600 से 700 लोगों को दिया गया है, बाकी लोगों के पास लैपटॉप है ही नहीं। तो जब आपने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, आपने उनको सामान नहीं दिया, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी इस सुविधा के अनुसार काम करें और आपको रिजल्ट दें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर अगर कोई भी इंसान दिहाड़ी पर काम करवाने के लिए कोई सरपंच या पंच किसी दिहाड़ी वाले को बुलाता है तो वो इंसान शाम को काम खत्म होने के बाद अपनी दिहाड़ी कर फिर घर जाता है और फिर अपने घर का गुजारा करता है। और अगर आप ई टेंडरिंग ऑनलाइन सिस्टम करते हैं तो उसका पैसा उसके अकाउंट में आएगा जो कि 2 या 4 या 5 या 10 दिन के बाद अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो क्या आज सरपंच अपनी जेब से पहले उसको पैसे दे और जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाए फिर उससे पैसा 10 दिन के बाद मांगने के लिए जाए? तो ये तो बहुत 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 जटिल प्रक्रिया। अगर मैं गलत नहीं तो आप उस डेलीगेशन में शामिल रखे जिनकी कहे की सहमति बन गई सरकार के साथ, बताइए जी। नहीं, अभी कोई सहमति नहीं बनी जी, हम डेलीगेट्स में साथ थे और जैसे ही हमने अपनी मांग मुख्यमंत्री जी के सामने रखी तो उन्होंने सीधा यही कहा कि उन्होंने हमारे से ज्ञापन मांगा, हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपका ज्ञापन ही रिजेक्ट करता हूं और मैं आपसे बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि आप ग्राम सचिवों के साथ यहाँ क्यों आए, ग्राम सचिवों को आपने क्यों साथ लगाया? हमने कहा कि हमारी ये पंचायत परिवार है, ग्राम सचिव हमारे भाई हैं और इसलिए हमने ग्राम सचिवों को अपने साथ लेके आए, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो आप भी उसी डेलीगेशन का हिस्सा थे जो कि आरोप लगा रखी है कि हमें सीएम आवास से बदसलूकी के साथ धक्के मार के बाहर निकाला गया। सुधीर मांडे के साथ जो लोग गए जो कि आप लोगों के ही आरोप हैं उसमें आप शामिल नहीं थे? जी शामिल था जी, मैं धक्के मारे गए जी हमें जी वहाँ उसमें शामिल थे जी जी 45 लोगों में मैं शामिल था जी। हाँ ढुल साहब, सीएम साहब पर आरोप लग रहे हैं इस मामले में? मैं वहीं था, मैं भी कल। बिल्कुल गलत आरोप है। जब वहां पर बुलाए गए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग जो आए हुए हैं उसमें से ग्राम सचिव को लेकर के जो इनकी सबसे पहली जो डिमांड थी, बात ही यहां से शुरू हुई थी कि सबसे पहले जो रेवाड़ी का ग्राम सचिव सस्पेंड है उसको बहाल किया जाए और डीसी रेवाड़ी का तबादला किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि आए हैं वो पहले मुझसे बात करें, ग्राम सचिव की बात यहां बात ही नहीं है, ग्राम सचिव सबसे पहले जाकर के अपना, चूंकि वो एक सरकार का नुमाइंदा है, वो सरकार का डेकोरम मुख्यमंत्री को सीधा नहीं दे सकता, उसका एक प्रोटोकॉल है, सर्विस नियम के कोड है, नियम है, उसका हवाला दिया गया। लेकिन वहां पर जो सरदार जी सरपंच थे उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने बहुत ही अभद्र बात भाषा का प्रयोग किया, अमानवीय भाषा का प्रयोग किया मुख्यमंत्री जी के सामने। इस चीज को लेकर के वहां पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरिमा का ध्यान रखना और गरिमा का ध्यान में रखना सबके लिए जरूरी है। मैम जिस सरपंच साहब की बात कर रहे हैं सरदार जी, जिन अभद्र व्यवहार, जिन्होंने एक कहा कि श्रीमान जी क्या कोई जैसे ग्राम सचिव है क्या वो हमारा हिस्सा नहीं, ये पूछना कोई गलत है? आज उसकी विजिलेंस इंक्वायरी हो चुकी है, उसके आज उसके जो उसका दफ्तर था वहां से सारे उसके डॉक्यूमेंट रजिस्टर पंचायती जो उसके कागज है वो सारे उठा लिए गए हैं। मैम आज आज ये देखो कि उसको जब उनकी नजर में चढ़ गया कि ये अपोजिशन का है या ये गलत बोल रहा है तो उन्होंने उसके उसका आज विजिलेंस इंक्वायरी होगी मैम उसकी। आप इसको जहां मर्जी जिस मर्जी न्यूज चैनल के माध्यम से कहीं भी आप मेरे से क्या किसी से पूछ सकते हो, आज उसकी इंक्वायरी बैठ चुकी है, आज उसके सारे विजिलेंस ने कागज उठा लिए। क्या क्या किसी व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी है, अपनी आवाज है, कर्मचारी है, क्या वो लोग आवाज नहीं उठा सकते? कोड सर्विस नियम बिना मांगे सुने, कल भी हमने कहा, कल भी हमने चर्चा की, बिना मांगे सुने उनको खारिज कर देना और सीएम आवास से बाहर निकलवा दिया जाना, क्या ये सही है? इसको जस्टिफाई किया जाएगा किसी भी लिहाज से? देखिए ज्योति, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, आएंगे त्रिसाब, किसी भी रूप में बात को ना सुनने की तो मुख्यमंत्री जी के साथ बात ही नहीं हुई। डेलीगेशन गया, सरपंचों का डेलीगेशन जो गया वो झूठ बोल रहा है। मैं वही हूँ, ये सरपंच साहब वही हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने जो कहा अगर मेरी बात में झूठ हो तो ये सरपंच साहब यही बैठे बता दे। हाँ। बात की शुरुआत कहाँ से, किसी चीज को लेकर शुरुआत? पहली महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि जब ये लोग अपना प्रदर्शन करने के लिए आए पंचकूला में, ज्ञापन देने के लिए बुलाया गया, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया तो ये मुख्यमंत्री जी के आवास पे गए। क्या मुख्यमंत्री जी को उस वक्त ये नहीं पता था कि सचिव भी इनके साथ है?
क्या मुख्यमंत्री जी इन बातों को नहीं जानते थे? केवल मात्र अपने दंभी व्यवहार के कारण बेइज्जती की गई इन चुने हुए प्रतिनिधियों की, बाद में लिपापोती करके आप कारण बनाए, एक मुख्यमंत्री को ये क्या शोभा देता? मुख्यमंत्री बिल्कुल कहा गया कि डेलीगेशन जो बुलाया गया था उसमें ग्राम सचिव को भी बुलाया गया था, बुलाया गया बुला के बेइज्जत करने उसके सरपंच सचिव दोनों का एक सेकंड, अच्छा आप बोलिए फिर मैं बोलता हूं। सरपंच और सचिव दोनों का ही ज्ञापन था, दोनों को बुलाया गया, दोनों को सरकारी वाहन के द्वारा लेकर गया, आप सुन लीजिए, दोनों को सरकारी वाहन के द्वारा ले जा गया। जब वहां पे एंट्री की गई तो वहां पे ग्राम सचिव सरपंच दोनों लिखा, जब ग्राम सचिव आपने बुलाया नहीं तो आपने उनको एंट्री करने क्यों दिया? वही चीज है, ये देखो ये बात में खुद बुला के बेइज्जती करते हैं। महेश पुरवार जी बेइज्जती करने वाला काम कर रहे हैं। आप लोगों के कुछ नियम कायदे कानून हैं, आप लोग चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, आप लोग शामिल नहीं हो सकते इस तरह के धरने प्रदर्शन या फिर खिलाफत में जो कि सरकार का पक्ष है, बोले। धन्यवाद ज्योति जी कि आपने ग्राम सचिवों के लिए भी जो है एक पक्ष रखने की बात की, और मैं उस पर आपने जो क्वेश्चन किया उस पर ये कहना चाहूँगा कि हमारे जरूर हमारे हरियाणा एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट रूल जो बने हुए हैं हरियाणा एम्प्लॉयज़ के लिए, उनका हमने पूरी तरह से फॉलो किया। हमने अपनी मांगे आज से नहीं, हम ये मांगे हमने रखी है, हम ये अपनी मांगे जो है पिछले 2-3 साल से हम ये हमने अपनी मांगे रखी हैं, डेलीगेशन हमने भेजे हैं, मंत्री जी से मिले हैं, हमारी 3-4 बार मंत्री जी और हमारे डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर साहब से हमारी बातें हुई हैं, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि आपकी ये मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन काफी लंबा समय हो गया इसलिए जो है। तो इसी वक्त क्यों आप लोग दबाव डालने की कोशिशें कर रहे हैं सरकार? नहीं, ऐसा दबाव का कोई ऐसा हमारा कुछ नहीं, ये दबाव नहीं था, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हमारा एक वो था, हमारे हमने अपनी बात रखी, हमने मेमोरेंडम दिए भी हमारी बात को सुना जाए, और नहीं सुना गया तो हमने मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि देखिए हम सिस्टम पार्ट एंड पार्सल है सिस्टम का, और हमें अगर कोई दिक्कत है तो हमारा उस चीज का इलाज करने की बजाय हमें काट देना, उस चीज को काट देना, देखिए हम शरीर का हिस्सा है सरकार की, और बजाय उस शरीर के हिस्से के अगर उसको कोई तकलीफ है उसको इलाज करने की बजाय अगर उसको काट दिया जाना, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जी आपसे जानेंगे ढोल साहब, अभी कैप्टन साहब को हम सुन रहे थे जिनकी ओर से कहा गया कि जवाबदेही तो सबकी है, सीएम की भी है और पारदर्शिता हर एक स्तर पर चाहिए। क्या आप लोगों ने विधानसभा में ये सिस्टम लागू कर दिया, लाखों रुपए हर एक सेशन में प्रिंटिंग के लिए खर्च हो जाते हैं? कौन सा सिस्टम? ई सिस्टम लागू कर दिया गया सीएम आवास पर, उनके कार्यालय पर, हर एक जगह पर पुरानी पद्धति के साथ काम किया जा रहा है। ज्योति ज्योति ज्योति, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट ना किया जाए। नहीं, सरकार की प्राथमिकताएं अगर हैं तो विधायकों के साथ भी हो, मंत्रियों के साथ भी हो, सीएम आवास में भी हो, सीएम कार्यालय में भी हो। ज्योति जी बताइए, विधानसभा क्या है ये आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, सरकार क्या है वो भी आप मुझे, तो विधानसभा की कार्य प्रणाली में मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सरकार के हस्तक्षेप मुख्यमंत्री जी करेंगे, सरकार चलाने का काम नहीं, आप बताइए, हर विभाग में किया, हर एक जगह पर हमारी प्राथमिकता डिजिटल हो जाना, हर एक जगह पर, फिर माननीय भी डिजिटल हो पूरी तरह से, क्यों नहीं होंगे, वो भी होंगे, वो भी होंगे उसमें का, पर उसमें सरकार थोड़ी कर सकती है उनको, सरकार कैसे करेगी? मिलकर करें ना, फिर प्राथमिकताओं में आप लोगों की, किसी एक चीज को कैसे, लोकसभा को या विधानसभा को सरकार कैसे बना सकती है? विधानसभा का अपना एक सचिवालय है, विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर देखेंगे, पर सरकार चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी चलाते हैं, सरकार की अगर प्राथमिकताएं हैं, कभी मंशा जाहिर की गई, हम तो हर चीज पे कहते हैं डिजिटल यहाँ भी कर दिया जाए, यहाँ पर भी डिजिटल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं होगा? कहा मनोहर जी ने कहा है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हर चीज को उन्होंने अपने घर से शुरुआत की है और आखिर तक लेकर के जाएंगे, जिस अंत्योदय के लिए मनोहर सरकार जानी जा रही है, लोकप्रिय हो रही है, उस अंत्योदय को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही मनोहर जी ने कहा कि ये होगा और ये नहीं होगा, शायद भूल रहे हैं, मनोहर जी ने अभी ताजा ताजा कहा कि नई घोषणा नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, सुनो तो, अच्छा चलिए फिर मैं काउंटर, ये जो सब हो रहा है ना ज्योति जी, ये केवल अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश है, प्रदेश की जनता विकास के बारे में सवाल ना करे उससे बचने की कोशिश है। आज जिस तरह के हालात पैदा कर दिए, सरपंच प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा विकास कार्यक्रम ठप है, यही सबसे बड़ी कारण है, सरकार यही चाहती है कि जनता को जवाब ना देना पड़े कि विकास है कहां।
अब आप इस चीज को समझें, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि करने के लिए है नहीं, क्योंकि पुराने जितने पुराने आपसे हो नहीं रहे हैं तो नहीं कैसे करोगे आप, और जनता सवाल ना पूछ ले, इस तरह से फंसा दिया, हालात इस तरह के बना दिए कि पंचायती राज व्यवस्था को भी ठप करने की कोशिशें शुरू हो गई सरकार के द्वारा, जो हालात इस वक्त बने हैं और उसको आप देख सुनील जी, कामकाज को ठप कर देना, ताले जड़ देना, क्या ये बहुत सही है? मैम ऐसा है जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, एक चीज लगाओ आप, जैसे ये कहते हैं कि हमने बिल्कुल ही भ्रष्टाचार खत्म करना है, ई टेंडरिंग, ई प्रणाली, ये चीजों के बहाने आप लगाओ, एक कंप्यूटर पे पेंशन वाला फॉर्म भी जो जमा करना है तो सबसे पहले का जो फॉर्म होता है उसके 35 रुपए, उसके बाद के जितने फॉर्म लगते हैं राशन कार्ड, आधार कार्ड, अन्य कार्ड लगते हैं तो 5 रुपए पर के हिसाब से 100 रुपए एक पेंशन वाले के ऊपर जाते हैं। पहले क्या था, आएगा सरपंच, मोहर लगाएगा, फॉर्म जमा कर देगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये ई प्रणाली के उदाहरण है मैम इनके, इनका जो भी है। और ये जो आप कह रहे हैं ताले जड़ने की बात, जैसे जैसे हमारा अभी आज भी जो हमारी कोर कमेटी थी स्टेट की, तो उसकी भी आज 25 मेंबरी कमेटी बनाई गई, उसके अंदर ये कहा गया कि जैसे जैसे हमारा जो भी होगा हम किसी के कार्य को अवरुद्ध नहीं करेंगे, लेकिन ग्राम सरपंच और जो सचिव हैं वो हम सरकार के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, बाकी हम ऐसा है हमारे जैसे पढ़े लिखे हैं। नहीं, ये तो सरकार को मजबूर कर देने वाली बातें हैं ना। आप एक तरफ कहते हैं कि तैयारियों के साथ फैसला भले ही लागू कर दिया जाए, फिर दूसरी ओर आप कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के मंत्रियों को हम गाँव में एंटर ही नहीं होने देंगे, क्या ये बहुत सही है? मैम इसका जवाब मैं देता हूँ, जैसे हमारे जैसे मंत्री है, एमएलए है या कोई भी है, जब तक मान लो हम ये प्रणाली का इन्होंने एक ये चीज सोच ली है तानाशाह की तरह कि हम लागू करके ही रहेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे जो है हमारे लिए पहले इसके संसाधन पूरे कीजिए। ई प्रणाली का हम आज भी पहले भी इसका स्वागत करते हैं, हम उसका जब वो कर देते हैं संसाधन पूरे कर देते हैं तो इसको लागू किए हम इसका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। रंजीता जी, सरकार को क्या परेशानी हो सकती है फिर बिना तैयारियों के इस तरह से फैसला लागू कर देने में? मैं यही तो बता रही हूँ कि ये जो सरकार है मैं ना मानू वाली स्थिति में हर बार आती है। पहले जैसे आंगनवाड़ी वाली जो लेडीज हैं उनको एक साल से इन्होंने तनख्वाह नहीं दी, वैसा ही हाल बीएलईस का है, जितने भी बीएलई जो हाँ गाँव में लगे हुए हैं आपको जानकर हैरानी होगी, मैक्सिमम ऐसे गांव हैं जहां पर बीएलईस को आज तक पैसा ही नहीं दिया गया। आप किसी से काम ले सकते हैं, आप किसी से दिन रात काम करवा सकते हैं, जब पैसा देने की बारी आती है तो आप अपना हाथ खींच लेते हैं, तो क्या इस तरीके की विकास की कल्पना कर आपको आपको चुना गया था? आज खुद सरपंच का ये कहना है कि भाई सीएम साहब को सरकार नहीं चलानी आती, ओपी धनखड़ साहब इनको धमकाते हैं, कैप्टन अभिमन्यु इनको धमकाते हैं, आप देखिए नारनौल का केस और बेईमान कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हम चलने नहीं देंगे, और ये सब भ्रष्टाचारी है, मतलब अपने मुंह से अपने ही सरपंचों को भ्रष्टाचारी कहना ये कहां तक जायज है? कहीं ना कहीं आप पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि आपसे ना तो विकास हो रहा है ना आपसे काम हो रहे हैं, जो आप वादे करते हैं आप उनको पूरा नहीं करते, और जब कोई भी आंदोलन शुरू होता है तब आप ये कह लेते हैं कि हमारी तो जिद है, हम तो ये करके रहेंगे। देखिए ऑनलाइन सिस्टम पहले भी था, पहले भी ऑडिट होता था और पहले सुचारू रूप से सब चीजें आराम से चलती थी, पर कहीं ना कहीं थोपा थोपी में अपनी जिद में जो है सरकार जो है हर वर्ग को दुखी करना चाहती है। आज अगर आप ग्राम सचिव, क्या वाकई जो लोग सड़कों पर हैं वो ईमानदार नहीं है? नहीं, मैं इस शब्दों के हेरफेर में नहीं जाऊंगा कि जो व्यक्ति सड़क पर है वो ईमानदार है कि बेईमान है। एक चीज तो पहले प्रवीण जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि मैं नई घोषणाएं नहीं करूंगा, इसके बारे में स्पष्टीकरण दे दूं। 90 की 90 विधानसभाओं में जाकर के वहां पर घोषणाएं करने वाले हरियाणा के 1966 बनने के बाद के पहले मुख्यमंत्री हैं। सुन जाइए आप नहीं गए, आज तक नहीं गए, रिकॉर्ड की बात है, अब सुन तो जाइए ना। कैसे बोल लेते हो? सुनिए मेरे, अच्छा हम तो झूठ बोलते हैं, आप सच बोलते हो ना, तभी तो आप कहा हो आपकी कृष्ण, आप जानते हो सारी सच्चाई जी, मतलब क्या बड़ी समस्या आएंगे के खेल में जाएंगे, जो लोग सड़कों पर हैं उनको लेकर आपके वरिष्ठ मंत्री ये कहते हैं कि ईमानदार लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इस सिस्टम से, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। ज्योति जी, मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 4200 घोषणाएं की, उसमें से 3600 घोषणाओं पर काम चल रहा है या पूर्ण हो रही है। पंचायत संगठन ने जो कहा कि ईमानदार लोगों को दिक्कत नहीं है, बाकी सारे जितने भी सरपंच हैं वो ईमानदार नहीं है, सर आप घोषणाओं पे बोल रहे हैं, आप प्रश्न किया है, मेरे साथी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री पर प्रश्न चिन्ह किया, टॉपिक पे रहिए, मैं सब देखा हूं,
प्लीज पारदर्शिता पार्टी के माध्यम से मैं देता हूँ। आज श्याम सिंह राणा ने सभी सरपंचों का धरने पे जाके वहां जाके कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हारी मांगे जायज है, तो इसका मतलब तो इनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता श्याम सिंह राणा भी फिर तो चोर हैं, डाकू हैं, जो साथ दे रहे हैं। देखिए ढोल साहब, ये अपने आप में भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि सरकार कहती है हम नहीं झुकेंगे, आपके ही विधायक पूर्व सीपीएस साथ देते हैं। फिर मैंने ये कहा, आप सबको पता है और कितने दिन तक इस चैनल पर बहस हुई थी पढ़ी लिखी पंचायतों को लेकर के, सबने विरोध किया, विपक्षियों ने बहुत तमाशा किया, बहुत सारी चीजें की, लागा किया। अरे अगर पढ़े लिखे थे तो फिर कोर्ट तक क्यों गए? सवाल ये है कैप्टन साहब, ये कहते हैं जिनको भी प्रणाली से दिक्कत है वो ईमानदार नहीं है, आपके विधायक भी साथ जाते हैं, जो कि सुनील जी का सवाल है, मैंने पूछा आपसे, बताइए अभी सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिमन्यु जी ने क्या कहा, मुझे उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, मैं इस बात से मुख्यमंत्री, आप ये देखे ना, आपने कैप्टन साहब की बात को तो उठा रहे हो, ज्योति जी मुख्यमंत्री जी की बात को आप उठा कर रहे हो, ये कैसे? अब प्रोटोकॉल में बड़ा कौन है, आप बताइए, बड़ा छोटा थोड़ी होता है, मुख्यमंत्री मुखिया, तो मुख्यमंत्री से बात भाई तो उसमें जवाब तो बनती है, आप सोचते हैं आपकी जवाबदेही बनती है, जवाब नहीं दे रहा हूं मैं, मैंने ये कहा ज्योति जी, कैप्टन साहब की बात को गंभीरता से ना लें, ये कह दीजिए बात को गंभीरता से ना लें, बोलिए बोलिए। मैंने ये कहा, आपने दो क्लिप दिखाई अभी यहाँ पर, एक कप्तान साहब की और एक मुख्यमंत्री जी की। कप्तान साहब ने कहा कि ऐसे जो लोग धरने में बैठे हुए वो चोर हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी मांगे जो हैं वो लगभग सुलझा ली गई है, कुछ एक दो पर विचार है उस पे चल जाएगा। अगर मुख्यमंत्री दोनों क्लिपों की बात करेंगे, अरे भाई सरपंच आपको भी कुछ समय के बाद उसी गांव के सामने जनता के सामने जाना है, हमें भी उस जनता के सामने जाना है। एक और सरकार है और दूसरी और विपक्ष और साथ ही सरपंच पंच और ग्राम सचिव है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सरकार एक तरफ कहती है कि झुकने वाली नहीं है, दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि दो मांगों को छोड़कर मांगे मान ली गई है, तो ये स्टैंड क्लियर ना होने वाली बात है जिसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं और आगे किस तरह से इस मामले पर राजनीति हो सकती है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। महेश जी आपके पास आएंगे, आप लोगों को बुलाया गया, आप लोगों का दावा ये है कि इन्वाइट आप लोगों को भी किया गया था, उसके बाद बाहर निकाल दिया गया, साथ ही आपके 9 साथियों को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल मैडम, हम लोग अपना मांग पत्र के हिसाब से सीएम साहब के पास मिलने जा रहे थे और उन्होंने बिल्कुल ड्यू कोर्स में हमें इनवाइट किया गया था और उन्हीं के द्वारा एक गाड़ी भेजी गई थी जिसमें हम लोग बैठ के सीएम आवास में गए थे। और मुझे नहीं लगता कि हमारा ये पुलिस का तंत्र इतना कमजोर है कि कोई भी ग्राम सचिव या कोई सरपंच या कोई नागरिक बिना परमिशन के, जो वहाँ सिक्योरिटी रहती है, बिना परमिशन के कोई एंटर कर जाएगा, तो क्या बिना पास के कोई एंटर कर जाएगा? ग्राम सचिवों को बुलाया नहीं गया था, आमंत्रित नहीं किया गया था, ये झूठ बोला गया। फिर अगर नहीं बुलाया गया था तो उनको अलाउ क्यों किया गया अंदर जाने के लिए? देखिए ये तो बड़ा एक टाइट सिक्योरिटी सिस्टम रहता है वहाँ, चार चार जगह जो है चेक होके आप अंदर जाते हो, आपको कोई भी मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया देता। आपको अगर बुलाया था तो हम गए थे, हमारे को वहां बिठाया गया था और उससे पहले सीएम साहब से पहले ओएसडी साहब ने हमारी बातें सुनी थी, उनको सारी बातें जस्टिफाइड लगी और उन्होंने ये भी कहा भी ये आपकी पूरी होने लायक है और होंगी, जहां तक हम कोशिश करेंगे हम भी करेंगे। लेकिन जैसे ही सीएम साहब आए उन्होंने फिर हमारे को जो है बोले भी आप लोगों ने ग्राम सचिवों का साथ क्यों लिया सरपंचों से, इस बात पे बात जो है बिगड़ गई। और मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई सरपंच किसी ग्राम सचिव को साथ, देखिए हम भी गांव में साथ बैठते हैं सरपंच के, कई बार सरपंच नहीं होता तो लोग डायरेक्टली हमें अप्रोच करते हैं कि ग्राम सचिव महोदय हमारी ये समस्याएं हैं, हमारा बीपीएल बनवाओ, हमारे को घर की फैसिलिटी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ दिलवाइए, इस तरह के बहुत से मुद्दे होते हैं जो सरपंच की गैर हाजिरी में जो ग्राम सचिव को फेस करने पड़ते हैं। और बहुत से हमारे सरपंच साथी ऐसे हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात को, इसलिए एज ए आप एक्सप्रेशन सरनजीत सिंह जी। कल पंचायती राज मंत्री की ओर से कहा गया कि दो मांगों को छोड़कर बाकी सभी मांगों पर सहमति बन गई। नहीं अभी तक तो हमारे उसमें जहन में ऐसी कोई बात नहीं ना, हमें पता चला कि कुछ मांगों पर उन्होंने सहमति बनाई, अभी तक हमारी नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसा आज हमारी जो
कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें भी वहां से हमें कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं मिला कि हमारी कोई मांगे मानी गई। आज तक अभी तक कोई हमारी मांगे नहीं मानी गई, ये सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। सुनील जी, क्या सरकार हमारी कोई भी मांगे नहीं मानी गई? आज हमारी स्टेट कोर कमेटी थी जिसका मेंबर मुझे भी बनाया गया, 22 डिस्ट्रिक्टों में एक मेरे को भी मेंबर बनाया गया। हमारी कोई भी मांगे नहीं मानी गई, ये तो इन्होंने एक ये अब एक ये बनाया है, माहौल बनाया कि शांत करने के लिए अपने दो चार बंदे उठा के बाहर से उनको दिखा के अपने प्रेस के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि हमने भी इनकी मांगे मान ली है, और वो कोई क्लियर नहीं है। उन्होंने भी क्लियर कर दिया जो लोग झूठ बोला जा रहा है सभाओं के बहुत ज्यादा। देखिए, अगर आप इसके पूरे प्रकरण में जाएंगे तो ये जो धरना प्रदर्शन था ये पंचायतों का धरना प्रदर्शन था, और इस धरने प्रदर्शन में हरियाणा से सारे हरियाणा से पंचायतें या पंचायतों के प्रतिनिधि आकर के पंचकुला में बैठे रुके, वहां पर ग्राम सचिव आए इसमें या सरकार ने उनको आमंत्रित किया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये धरना प्रदर्शन था ये सरपंचों का था, मैं फिर बार बार क्लियर कर रहा हूं। सुनिए सर, सुनिए, और एक बार के लिए सुनिए, रिक्वेस्ट है आपसे। जो पंचायती राज मंत्री कहते हैं ओपी धनखड़ साहब की ओर से कल कहा गया था, हमने बाइट भी सुनवाई थी कि दो मांगों को छोड़कर बाकी सारी मांगे मांग ली गई हैं, उन मांगों पर भी सोच विचार किया जा रहा है। क्या फिर ये झूठ बोला गया या फिर सरपंच झूठ बोल रहे हैं? मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि जब ये सरपंचों को बुलाया गया उसमें ये कह रहे हैं कि ग्राम सचिवों को भी बुलाया गया जी। क्या इनके पास किसी भी रूप में ये मुख्यमंत्री कार्यालय के धरना ही प्रदर्शन पंचायतों का था तो ग्राम सचिव गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हुए बिना किसी बात के धरना प्रदर्शन पर कैसे आए, किस बात को लेकर के? ये जो मांगों वाली बात है इसमें सच्चाई कौन सी है? इस बात का जवाब पैनल पर नहीं आया, जो मंत्री जी कहते हैं या फिर सरपंच जो कहते हैं आएंगे आपके पास आएंगे। मैंने ये कहा, अभी आपने मुख्यमंत्री जी की बात चलाई, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि हमारी पंचायत प्रतिनिधियों से बात हुई है और उसमें 6200 के आसपास जो आपने बताया 33 वो पंचायत प्रतिनिधि आए हुए हैं। अब इनकी कौन सी कोर कमेटी कल बनी हुई है, किसके जी का साथ बात हुई है, कोर कमेटी आज बनी है, उनकी ओर से कहा गया कि एक डेलीगेशन आया था, एक और चीज ज्योति मैं बताता हूँ, इन लोगों के द्वारा ये बात भी अभी जैसे इन्होंने कहा कि सरकार प्रचार कर रही है या फैला रही है, यहाँ भी ये बात भी है कि जो सरपंच मान रहे हैं इनको उन लोगों ने ये कहा कि भाजपा के प्रस्तावित प्रचारित सरपंच, क्या सरपंच भी दो फाड़ हो गए? फिर ये डेलीगेशन जाता है उसके साथ सहमति हो जाती है। देखिए ऐसा है, आएंगे सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आएंगे सुनिए, सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बजाय समस्या का समाधान करने के किसी भी तरह डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अडॉप्ट करो, समस्या बढ़ती है, ये सरकार पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी है। आपको याद होगा जिस वक्त पंचकुला के अंदर गैस टीचर हड़ताल पे बैठे थे, पेपर में न्यूज आती थी कि फलाने नुमाइंदे गए हैं, मांगे मान ली गई हैं, अगले दिन वो फिर हड़ताल पे होते थे, बात ये होती थी कोई मांग नहीं मानी, सरकार ने झूठ बोला। असत्यम ब्रुवेत प्रियम ब्रुवेत भारतीय जनता पार्टी की पंचलाइन है, झूठ बोलो मीठा बोलो। आप बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि धनखड़ साहब ने जो कल कहा था कि दो मांगों को छोड़ के बाकी मान ली गई हैं, क्या ये झूठ था? प्रवक्ता साहब इस पे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रवक्ता साहब भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी हद तक का झूठ बोल सकते हैं, तभी वो जवाब नहीं दे रहे इस बात का। सवाल यहां पे क्या आता है, देखिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पंचायत सेक्रेटरी साथ आ गए, इस वजह से मुख्यमंत्री जी ने बेइज्जती की सरपंचों की। साहब किसी को घर बुला के बेइज्जती करना ये कौन सी मर्यादा है, और मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं? अगर मान लीजिए, मैं एक बात को मान लेता हूं कि सर्विस रूल के हिसाब से अगर पंचायत सेक्रेटरी गलत आ गए तो ये भी कहा जा सकता था कि आपकी मांगों पे यहां पे बात नहीं होगी, आपसे बाद में बात होगी, दोबारा अलग से आइए। ये कौन सा ढंग हुआ कि आप उनकी बेइज्जती करो और बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दो, घर बुला जाते हो? और ये तो और फिर एक और चीज पूरा शिष्टमंडल आप सस्पेंड कर देते हो किस बात के लिए, जो बेचारे अपनी जायज मांग लेके आपके सामने आ गए? क्या कामकाज ठप किए जाने में भी आप लोग साथ हैं? चूंकि समर्थन आप लोगों ने दिया, ताले जड़ दिए गए उनमें भी आप साथ हैं कि विकास कार्य थम जाए रुक जाए, कांग्रेस साथ है इसमें? एक बात बताइए ज्योति, जब आंगनवाड़ी जो महिलाएं थी वो सड़कों पर बैठी थी, 2.5 लाख महिलाएं थी, उन्होंने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स के ऊपर ताले जड़े थे, तब भी सरकार लिपापोती करके हम देंगे हम करेंगे हम देंगे हम करेंगे। अरे आप करते क्यों नहीं ये तो बता दीजिए, जब तो आपको रैलियों में भीड़ इकट्ठी करनी होती है तब आप इन्हीं ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाते हैं कि सरपंचों को कहकर बसे और जो है वो भरवाइए और वहां पर साइकिल रैली या बाइक रैली जो भी कर रहे हैं वहां पर बंदे लेकर आइए। और अगर ग्राम सचिव अपने साथ जो उनकी बिल्कुल दो बाजू है, अगर एक सरपंच है और एक ग्राम सचिव है तो वो मिलकर जो है पूरे गाँव का विकास करते हैं, वो अगर
उनके साथ आ गए हैं तो आपको इतनी बड़ी तकलीफ होगी है कि आप उनको सस्पेंड कर देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर हम गांव के अंदर जाते हैं, अगर हम सपोज एग्जांपल लेते हैं पहेवा गांव की, उसमें टोटल 104 गांव है, आपको जानकर हैरानी होगी वहां पर कंप्यूटर कितने किए गए हैं, 2। आप इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो सरपंच है और पंच है वहां से आकर आवाज ना उठाए और अपनी जायज मांग आपके सामने, और अगर सरपंच मान लीजिए आवाज उठा दे तो उसकी विजिलेंस जांच करवा दीजिए, विजिलेंस जांच करा दीजिए, इससे बड़ा तानाशाही रवैया क्या होगा, इससे बड़ा तानाशाही और दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको दबाने के लिए, उसको डराने के लिए और बाकियों को ये मैसेज देने के लिए कि अगर आप भी आवाज उठाएंगे तो आपके खिलाफ भी विजिलेंस जांच करवा दीजिए। जवाब दीजिए। बहन रंजीता मेहता ने अपनी सरकारों के चरित्र को आज सबके सामने उजागर कर दिया। आप रहने दीजिए, आप सारी जनता जानती है कि पूरे हरियाणा के अंदर जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो 10,000 बंदे नहीं इकट्ठे कर पाए, पुलिस वाली महिलाओं को जब हम राजनीतिक बात करते हैं और विषय पर रहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे जो साथी प्रवक्ता वो भी विषय पर रहे, आप उनकी तो राजनीति बातें सुन लेते हो और जब मैं उनका जवाब देता हूँ तो आप कहते हो विषय पर ही। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चरित्र उजागर करने की जो बात मैंने कही थी, इन्होंने ये आरोप लगाया कि ग्राम सचिवों के माध्यम से हम लोग रैलियों इकट्ठी करते हैं। एक तरफ तो ये ग्राम पंचायत और ग्राम सचिवों को बहुत स्तंभ मानते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी रैली ही फ्लॉप हो जाती है, ये लोग आदमी नहीं ले जा पाते, तो किस प्रकार की बात है। हमारी सरकार ने आज तक इस प्रकार के पूरे सिस्टम को खत्म किया है, सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग करके कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल रैलियां करवाती रही है, हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया और हमारी पार्टी ऐसी है ही नहीं। वैसे एक एक चीज ज्योति, देखो ऐसा है दुल साहब, आपकी पार्टी कैसी है ये तो प्रदेश की जनता सिर्फ देखिए इस सिस्टम से ही प्रणाली से आप लोगों को दिक्कत नहीं, काफी सारी मांगे हैं कि पेंशन भी आप लोगों को दी जाए, आप लोगों का भत्ता भी बढ़ा दिया जाए, क्या इस सिस्टम की आड़ में सरकार पर दबाव बनाए जाने की कोशिश है बड़ी बड़ी मांगों को लेकर। मैम हमारी कोई इतनी बड़ी मांगे नहीं है कि जो सरकार मान ना सके, हमारी मांगे क्या है मैम, हम चाहते हैं जैसे ई प्रणाली है उसके जो सिस्टम में त्रुटियां उसको दूर कीजिए, नंबर 2 जैसे ग्राम सचिव है ये जो हमारा ज्ञापन है उसमें ये सब मांगे हैं कि जो ग्राम सचिव 1962 से जो इनको 20 रुपए भत्ता मिलता है उसको ठीक करने के लिए उसको 1962 से आज तक नहीं बढ़ा मैम। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ग्राम सचिव हरेक गांव में पंचायत में जाता है उसके लिए वो जो पटवारी का ग्रेड पे मिलता है वो तो मिलना चाहिए जब वो काम इतना कर रहा है। नंबर 3 जैसे अब सरपंच है, सरपंच का मानदेय 3,000 रुपए है, जब ये हर बार प्रस्ताव पास करते हैं अपना, जैसे ये MLA MP अपना बढ़ाते हैं तो क्या सरपंच का राइट नहीं है कि उसका भी मानदेय बढ़ाया जाए। जैसे अब मोबाइल का खर्चा है, MLA का खर्चा मैं बताता हूँ, 999 रुपए में आप दिन रात जैसे मर्जी आप पब्लिक का, तो विधायकों या सांसदों की सैलरी बढ़ने में भी भला नहीं है और सरपंचों की बढ़ने में कितना भला है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग भी इसी तरह की मांग करें कि पेंशन दे दीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए, क्या ये मांगे बहुत सही है इस वक्त जब एक नया सिस्टम लागू किया जाना है उसकी आड़ में। देखो मैम जैसे आप लगाओ, जैसे एक MLA MP है उसका 15,000 रुपए आज भी ये फोन का लेते हैं तो ये कौन सा राइट है, ये सरकार का पैसे का दुरुपयोग नहीं है, ये हमारा पैसा है, हमारी जनता का, पब्लिक का तो पैसा है। आप लोग अगर करवाओगे वो सदुपयोग होगा फिर। मैम ऐसा है जैसे आप 3,000 रुपए क्या आपके हिसाब से जायज है, किसी सरपंच का मानदेय जायज है? तो ये मत कहिए ना कि इस फैसले से दिक्कत है, आप लोगों की लंबी फेहरिस्त है एक मांगों की जो सरकार से मनवानी है, इसी फैसले की आड़ में क्यों, इसी फैसले की आड़ में क्यों कि तैयारियां नहीं है, अभी खामियां हैं उनको दूर किया जाए। आज ये सारी चीजें जो कहते हैं जो ई प्रणाली है मुद्दा जो आज की डेट में ई प्रणाली, इन्होंने तो ये भी कहा कि ई प्रणाली के विरोध में है आज की डेट में, कोई भी ने भी कहा है कि फैसला ही वापस ले लीजिए। इस मांग की आड़ में काफी सारी मांगे हैं जो कि पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही अभी तक। पहले क्लियर करो, आएंगे आपके पास, जैसे ई प्रणाली है, ई प्रणाली का हमने कभी विरोध नहीं किया, नहीं हम आगे से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो इसके अंदर त्रुटियां उसको दूर कीजिए, उसके बाद इसको लागू कीजिए, हम इसका वेलकम स्वागत करते हैं। देखो इंदुल साहब ये क्लियर,
तो त्रुटियों को दूर करवाने के लिए कामकाज ही बंद कर देना ये तरीका बहुत सही है, बहुत सही है। सरकार डेडलाइन सेट कर रही है। देखिए दो अलग अलग चीजें इन्होंने कही। इन्होंने अपनी मांग पत्र में सरपंचों के माध्यम से जो ग्राम सचिवों की मांग आई, सरपंचों के माध्यम से, ग्राम सचिवों की मांग सरपंचों के माध्यम से आना ये हरियाणा सर्विस रूल कंडक्ट का उल्लंघन है। ये शायद इनको पता नहीं पर ग्राम सचिवों को पता था, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा, और जितनी शिष्टाचार से बहन भाई प्रवीण अत्रे जी ने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहिए था कि भाई आप चले जाओ और तुम्हारी सुन लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही कहा था, क्योंकि ये तो एक शिष्टाचार है। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिव जो यहां आए हुए हैं वो आज चले जाए, वो अपने तरीके से जो सर्विस का नियम है, ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो थे उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने जाते ही हमें कहा, हमने जब ज्ञापन दिया कि सबसे पहले तो मैं आपका ये ज्ञापन ही रिजेक्ट करता हूँ, हमारे सरपंचों ने कहा कि क्यों करते हो आप, जब ठीक है उन्होंने कहा कि क्यों करते हो जी, पहले उन्होंने कहा कि आप लोग साथ क्यों आए, क्यों आप लोगों का ज्ञापन। और जो सिद्धार्थ जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने पीछे से उठ के ही बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, अब वो अपनी बात रखने के लिए आपके पास आए, अब जब सीएम के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो आप उसके बाद क्या हुआ, सीएम के बात करने के तरीके से ज्यादा परेशान हो गए। उसके बाद क्या हुआ जी, उन्होंने फिर कहा, उसके आगे बताता हूं, उन्होंने कहा कि आपने सरकार के मुंह पर तमाचा मारा, ये इनको साथ लेके आप आए। आप लोगों को परमार जिस बात का जवाब दीजिए, आप लोगों को नियमों की जानकारी थी कि आप लोग सरपंचों के साथ पंचों के साथ इस तरह से सड़कों पर नहीं आ सकते अपनी मांगों को लेकर, जानकारी थी। मैडम प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेड हमेशा रहती है, जो भी एक वेलफेयर स्टेट के नागरिक हैं उनकी एक उम्मीद होती है, और हम तो एक एम्प्लॉय हैं, हमारी एक एम्प्लॉयर से एक उम्मीद है कि हमारी जो छोटी मोटी जो हमें दिक्कतें आ रही हैं वो हम रखें उनके सामने। हमने मंत्री जी के सामने अपनी डिमांड रखी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के सामने डिमांड रखी, हमने डायरेक्टर साहब के सामने डिमांड रखी, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो लास्ट में हमने सीएम साहब से मिलने की बात की, सीएम साहब से हमने, चलो उन्होंने हमें बुला लिया, और अगर ऐसा कुछ था ही नहीं कि, तो फिर ये सस्पेंशन का क्या कारण, सस्पेंशन देखिए आप गलत चीज को गलत जगह, सरकार को क्लियर नहीं रहा होगा, सरकार को क्लियर नहीं रहा कि किसको बुलाया गया, जो लोग धरने पर बैठे हैं, जो लोग धरने पर बैठे हैं उनको बुलाया अपने ज्ञापन दिए, उसमें भी यही लिखा गया था कि ग्राम सचिव और सरपंचों के जो डिमांड है, तो इसका मतलब क्या, मुख्यमंत्री के पास मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन नहीं पहुंचे हमारे, तो इसका मतलब प्रशासन और सरकार के नहीं लगता है। जब हमने 22 तारीख को अपने ज्ञापन दिए गए वो पहुंचे नहीं सरकार के पास, उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे गए, बिल्कुल 22 तारीख को रिपोर्ट मिलती है या फिर नहीं, तो इसका मतलब जानकारी नहीं मुख्यमंत्री जी को उसकी, पहले से क्लियर कर दिया गया था जी। ये अपना मंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्री जी के सामने डिमांड रख रहे हैं, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने डिमांड रख रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री जी घर पे बुला के बेइज्जत कर देते हैं, फिर ये कहा जाता है कि साहब आपको तो कानूनी अधिकारी नहीं था। इससे पता लगता है कि सरकार का रवैया क्या था, सरकार का माइंडसेट था, सरकार चाहती थी कि इन लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाए, क्योंकि जो एक माइंडसेट होता है, और मुख्यमंत्री जी ने कोई पहला काम नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने अपने घर बुला के पहले भी इसी तरह से बेइज्जत किया है, इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रतिनिधिमंडल गया था, इन्होंने उनकी तलाशी की बात करके उनकी बेइज्जती की थी। तो मुख्यमंत्री जी को आदत है घर बुलाओ और बेइज्जती करो, ये उनकी सोच का एक हिस्सा है, लेकिन यहां समस्या है प्रदेश की पंचायत और जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनकी। सरकार को सोचना चाहिए, अगर कोई सरपंच, जिस सरपंच का भी जिक्र हो रहा है बार बार, के सरदार जी ने केवल इतना कहा कि साहब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपनी डिमांड लेके आपके पास आ सकते हैं, केवल इस बात के लिए आप विजिलेंस जांच करवा देते हो, कारण क्योंकि आप अपने आप को सिस्टम से बड़ा समझने लगे, आप अपने आप को महाराजा समझने लगे, ये जनता है बहुत जल्दी याद दिला देगी कि आप महाराजा नहीं है, आप सेवा के लिए चुने गए हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार अगर जनप्रतिनिधियों से करोगे तो कैसे चलेगा, डेमोक्रेसी का अपमान है। पूरा जितना ही एपिसोड ये क्रिएट हुआ, क्या आपको लगता है सरकार के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगा?
सेवा परमो धर्म को मान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चीजों को लागू करते हुए कहा है कि अगर इस फैसले से, जन लोक कल्याणकारी फैसले से अगर मेरी सरकार चली जाती है, मेरी पार्टी को लोग नहीं चुनते, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जनता चुने ना चुने। कोई बात नहीं, आप फैसला नहीं करोगे ना, 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग फैसला करेंगे। उसके बाद भी प्रतिनिधिमंडल को बस में बिठाकर जहाँ पे हमारा वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम वहां से सारा उसमें चंडीगढ़ में घुमाते रहे, उनको वहां छोड़ने नहीं गए, 2 किलोमीटर उनको दूर उतार दिया गया, वो भी जब उन्होंने विरोध किया, उनको शहर से बाहर उतारने के लिए जा रहे थे, इनको शहर से बाहर उतारो ही जाके दुर्भावना से तो वो 2 किलोमीटर यानी कि बहुत शुरुआत से ही आप लोगों का भत्ता नहीं बढ़ाया गया, इससे पहले कितनी बार सड़कों पे आए आप लोग? देखिए, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन लगातार कर्मचारी यूनियंस और हमारी यूनियंस भी पहले देती रही हैं, और उस पर ये चीज़ें हैं, क्योंकि अब जो है ग्राम सचिव बहुत कम है, जैसे आपने बताया ना 6212 पंचायतें हमारे पास हैं, 1633 मात्र ग्राम सचिव हैं, हर ग्राम सचिव के पास जो है ये 4 से 5 पंचायतों में चार्ज रहता है। तो पहले साइकिलों से चले जाते थे, कुछ और मीन्स एंड वेज थे, लेकिन आजकल जो है जिस हिसाब से हमारी रिपोर्टिंग है, टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग है कि आपको हेडक्वार्टर में इस तरह की रिपोर्ट्स देनी होती है फ्रीक्वेंटली, तो एकदम से ये चीज़ें, देखिए मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं आजकल, तो वो 20 रुपया कहीं भी अप्रोप्रिएट नहीं लगता, इसलिए हमारी पिछली सरकार के दौरान भी कोशिशें की थी। मैडम मैं तो 2012 में रिक्रूट होकर आया था, उससे पहले मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता कि पहले क्या रहा क्या नहीं, मैं तो अब फिलहाल हमने ये मांगे रखी थी और जेन्युइन डिमांड्स थी हमारी, अगर कंसीडर होती तो। सुनील जी, आगे रणनीति क्या है फिलहाल? ताले जड़ दिए हैं आप लोगों ने, काम भी बंद कर दिया फिलहाल? मैम ऐसा है हमारी जो अब ऐसा है, जैसे ताले लगा दिए हैं ब्लॉकों में बैठे हैं, आगे भी बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। आप ये स्टैंड क्लियर कर दीजिए, एक और ये कहा जाता है कि झुकेंगे नहीं, दूसरी ओर ये कहा जाता है कि 2 मांगों को छोड़कर बाकी मांगे मान ली, बिल्कुल आखिर जवाब क्लियर कीजिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मांगे पूछो मैम, कौन सी मांगे मानी गई है वो मंत्री जी बताएंगे, और आप लोगों का जो पूरी लंबी चौड़ी फेरिस थी उसमें कौन सी मांग को छोड़ा गया मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ई गवर्नेंस और ई प्रणाली को मुख्यमंत्री जी लागू करेंगे, जो इनके 20 रुपए भत्ते वाली बात है और जो इनका 3 से 5 हजार रुपए बढ़ाने वाली बात है, उसको सरकार जो है वो माननी होती है। आज हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किन मांगों की वजह से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रवक्ता ये कहते हैं कि मुझे मांगों की जानकारी नहीं, दो मांगों की जो छोड़ दी गई है उनकी कह रहा हूं। अरे तो क्यों नहीं है भाई, आप अगर चर्चा में आए हो इस मुद्दे पे चर्चा करने तो आपको जानकारी होनी चाहिए। चले ठीक है, शुक्रिया सभी का, आगे समय नहीं चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। तो छोटी सरकार और बड़ी सरकार, आर पार की सरकार पूरी तरह से मूड में है, क्योंकि बड़ी सरकार ये कहती है, राज्य सरकार की बात कर लें, कि हम झुकेंगे नहीं, और छोटी सरकार जो कि पंचायतें हैं उनका कहना है कि अब हम भी झुकने के मूड में रखें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।